महेश नाइक के खिलाफ मनपा में साजिश पर सवाल, बीजेपी नेता राज्यपाल से करेंगे शिकायत, महाविकास आघाड़ी को देंगे मुंहतोड़ जवाब। गणेश नाइक के खिलाफ नई मुंबई मनपा में कौन करवा रहा था? क्या मनपा अधिकारी सरकार के इशारे पर बीजेपी को हराने में जुटे हैं? क्या गणेश नाइक को महानगर पालिका से बेदखल करने की साजिश चल रही है? वोटर लिस्ट में की जा रही बड़ी धांधली इसका संकेत तो नहीं? जी हाँ, ये वो सवाल हैं जिसका खुलासा खुद बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने किया है। गणेश नाइक का खुला आरोप है कि सत्तारूढ़ दल उनके खिलाफ मनपा मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है। मनपा अधिकारी ड्यूटी हावर्स के बाद भी रात के अंधेरे में वोटर लिस्ट में धांधली का धंधा करने में जुटे हैं। गणेश नाइक ने कहा कि अंधेरे में अच्छे काम नहीं होते, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी और वक्त आने पर मुंहतोड़ जवाब भी देगी। ऑफिस आवर्स के बाद, ऑफिस आवर्स समझो 5:30-6, ज्यादा कोई काम पेंडिंग हो 6 समझ सकते हैं। रात को 8-9 बजे तक ऑफिस में बैठ के ये कारोबार हो रहा है, रात के अंधेरे में कोई अच्छे काम नहीं होते। वो लोगों ने मशीनरी का दुरुपयोग किया है ऐसा हमने कभी इल्ज़ाम नहीं लगाया था, लेकिन आप जानते हैं कि ये जो शहर में जो कुछ भी हलचल हो रही है उसके पीछे सरकार की ओर से दिए हुए आदेश का इधर कई लोग पालन कर रहे हैं। गलत होगा उधर जरूर उसने आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन दूसरे पे अन्याय करने वाला जो कोई आदेश होगा उसको अधिकारी वर्गों ने ना बोलना चाहिए, लेकिन कई जगह पे भूमिका संशयास्पद है। अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन वक्त आने के बाद जरूर उस पर हम लोग बोलने वाले हैं और जो करना है वो करने वाले। गौर कीजिए, ये वही नई मुंबई महानगर पालिका है जहां बीते 25 वर्षों से गणेश नाइक का राज कायम है। कभी 50 करोड़ के बजट वाली महानगर पालिका अब 4,825 करोड़ तक पहुंच गई है। जाहिर है मनपा अधिकारियों के जरिए वोटर लिस्ट में कथित धांधली और मनमानी का यह मामला इसी खजाने पर काबिज होने की कवायद है। इस पर गणेश नाइक ने कहा कि सरकार और मंत्रियों के इशारे पर नई मुंबई में बहुत कुछ हलचल चल रही है, लेकिन हम इसके खिलाफ राज्यपाल से शिकायत करेंगे और फिर भी यह धांधली और मनमानी नहीं रुकी तो महानगर पालिका के गेट पर तीव्र आंदोलन करेंगे। माननीय आयुक्त महोदय को इसकी गंभीरता हमने बताई है, उन्होंने एश्योर किया है कि इस बारे में हम लोग पूरी दखल दे देंगे, उसमें पूरा जो आप लोगों का कहना है वो वेरीफाई करके जो सच है उसको अंजाम देने का उन्होंने एश्योरेंस दिया हमें। मैंने आपको बोला कि हम लोग तो एजिटेशन करेंगे इधर आके, साथ ही साथ गवर्नर साहब से भी अभी मुलाकात करने वाले हम लोग और आखिरी फाइनल कोर्ट हाई कोर्ट में भी जाएंगे। राज्यपाल महोदय को पत्र दे चुके हम लोग, अभी उनसे मुलाकात करके उनका ध्यान उधर खींचने वाले हैं। बताना जरूरी है कि नई मुंबई में 24 घंटे पानी, स्वच्छता और शौचालय, सीमेंट की सड़कें, अत्याधुनिक एसटीपी, खूबसूरत उद्यान, स्कूल और तालाब जैसे विकास गणेश नाइक के विजन और नेतृत्व में ही देखने को मिले हैं। फिर भी शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी के मंत्री जितेंद्र आह्वाड लगातार गणेश नाइक की नियत और विकास पर सवाल उठाते रहे हैं। वे चिल्ला चिल्लाकर मनपा में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने में जुटे हैं, लेकिन यह बात जनता के पल्ले नहीं पड़ रही है। जनता का रुझान बीजेपी नेता गणेश नाइक की ओर बढ़ रहा है। जाहिर है यह महाविकास आघाड़ी के लिए नाक की इज्जत का सवाल है। तो यह क्यों ना माना जाए कि संभवतः इसी बौखलाहट में शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार हमलावर बने हुए हैं, लेकिन चुनाव में इसका कितना फायदा होगा यह तो वक्त ही बताएगा। वाइट या गोष्टीच वाटत कि तो संजीव नगर सेवकांच्या घरी जात होता आणि चला दादांचा निरोप आहे आपल्याला भाजपत जायचंय, चला दादांचा निरोप आहे आपल्याला भाजपत जायचंय, आणि हे जो फेक खोटं नाही त्याचे जिवंत साक्षीदार आनंद परांजपे आणि आमच्यातले आमच्या इथले नगरसेवकांचे कार्यकर्ते, त्या कार्यकर्त्याचं नाव आहे रवी पालव। म्हणजे उद्या शंका नको कोणाच्या मनात, तो रवी पालव परत आला। कुठे पैशाचं आमिष, कुठे कॉन्ट्रॅक्टचं आमिष, कुठे त्यांची जी नेहमीची सवय आहे मैं सब डॉन को जानता हूं, परत आई त्यांनी भाषण केलं।
डरने का नहीं, हर इंटरनेशनल डॉन अपने को जानता है। विचार केला हिंसन दाऊद चा संबंध है कि काय? माला दोनच डॉन माहिती आहेत इंटरनॅशनल, एक छोटा शकील आणि दुसरा दाऊद इब्राहिम। म्हणजे शशिकांत शिंदेजी इथे येताना विचार करून येत जा, त्यांच्यावर बॉडीगार्ड येऊन जाईल। तर मी बोलत नाही, तर स्वतः बोलले, घाबरायचं नाही, हेअर इंटरनॅशनल डॉन को मैं जानता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।